नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारा फसल प्रदर्शन कार्यक्रम विलेज गोंदखेड़ा जिला खंडवा में चल रहा है और यहाँ पे कपास चुनाई भी हो रही है, तो हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस वैरायटी के बारे में। अभी आप ये कपास चुनाई कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। कपास अच्छा निकल रही है, वजन भी अच्छा से। अच्छा, चुनाई में भी अच्छा है और वजन भी अच्छा है। और दूसरी जगह पे भी आपने चुना होगा ना कपास? हाँ चुना था ना। तो वहाँ और यहाँ में दूसरे कपास और इसमें फर्क है? नहीं फर्क है। हाँ। किस बात का फर्क है? वो कम बेचा है, कम चुनाई होती है। हाँ, कम चुनाई भाई। अच्छा, और ये अच्छे चुनाई रहे। अच्छा, वजन भी अच्छे से, वजन भी अच्छा। हाँ। है कितने दिन हुए अभी इस खेत को चुनते हुए? इनको 3 दिन हुए। तीन दिन हुआ? हाँ, तीसरा दिन है। अच्छा अच्छा, एक दिन में कितना चुन के ले जा रहे हो आप? तीन थैले। मतलब एक थैले में कितने किलो बैठता है कपास? अब ये उनका मालूम है, 40 किसान का मालूम भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा सा भाई अच्छा गुल निकला जूता चांदो पर बिनाई में भी अच्छा छे, वजन में भी अच्छा छे। तो ऐसा सब कपास है कि ये जो इस खेत की बात कपास कर, ये खेत की बात, ये आसावन के है ना? हाँ। और इनके यहाँ दूसरा कपास भी चुनने जाते हैं हम, दूसरी जगह? हाँ, लगा है वो कैसा है चुनाई और वजन? वो निकल तो नहीं, कालाज में एकदम रह जाए, आधो आधो हाथ में ही जाए। अच्छा अच्छा, चुनाई अच्छी नहीं हो रही है? और वजन भी नहीं रहा। अच्छा, और वजन? वजन कम रहा, जो मैं वजन ज्यादा थे दूसरे खेत के कपास में वजन कम आता है ना। अभी कितना चुन रहे हो आप, एक दिन में कितने किलो कपास चुनाई कर रहे हो? अब हम 2-3 थैला भर दिया। अच्छा अच्छा, मतलब किलो से अगर बात करें तो एक दिन में कितने किलो चुन रहे हो आप इसमें आसावन में? 50-60 किलो। हाँ? और दूसरी वैरायटी में कितने किलो चुन के ले? किसान भाई कह रहा है 7 रुपए किलो, तो हम किला से नहीं कही गो। अच्छा, तो कपास हमारे बढ़नी चाहिए, मग लूटी लेगा। अच्छा अच्छा, और दूसरे खेत में कितने किलो ले रहे हैं? दूसरे खेत में हम गया नहीं, गया जरूर पर धारकी से। नहीं, इनके यहाँ भी दूसरे खेत में चुना होगा ना? धारकी से। वो धारकी से 10-20 किलो और कया से निकल, वो कम निकल रहा। हाँ। हाँ। ये ओले टुकड़ा में। अच्छा अच्छा, वहाँ दूसरी वैरायटी लगी हुई है। हाँ चल जाऊंगा, तुम दिया बोले 7 रुपए किलो।